हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम लोगों का टॉपिक होने वाला है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। स्टेटमेंट और आर्गुमेंट की तीसरी क्लास है, दो क्लासें हम लोगों ने पढ़ी हैं जिसमें हम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ा तो एक बार जरूर पढ़ लीजिए। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो लोग आज नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि स्टेटमेंट और आर्गुमेंट का मतलब क्या है। तो स्टेटमेंट में आपको कथन दिया जाता है, अर्थात एक प्रॉब्लम दी जाती है, ठीक है ना। जैसे किसी से आप कुछ सलाह लेते हैं कि भाई मैं ऐसा करूं कि ना करूं, ठीक है। फिर आर्गुमेंट में वो अपनी आपको सलाह देता है कि हाँ भाई आप ऐसा कर लो। अब आपको लगता है जिसमें आपको अपना लाभ दिखता है कि हाँ ऐसा करने से मैं अच्छा कर सकता हूँ, वो आपको आर्गुमेंट वहाँ पर लेना है। हम अगर यहाँ पे बात करें तो आर्गुमेंट दो प्रकार से आते हैं, एक आपका वीक आर्गुमेंट, एक आपका स्ट्रांग आर्गुमेंट। तो स्ट्रांग मतलब वो जिससे हमको हेल्प मिले। जैसे कोई बिजनेस हमें चलाना है, किसी से हम पूछ रहे हैं कि भाई क्या हम बिजनेस चालू कर लें क्या, तो कह रहा है हाँ चालू कर लो, चूंकि यहाँ पे दूसरी कोई दुकान नहीं, दूसरा कोई बिजनेस नहीं है, आपका अच्छा खासा बिजनेस ग्रो कर जाएगा तो हमको हेल्प मिलेगी ना, ठीक है ना। एक कह रहा है कि नहीं आप ऐसा मत करो, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो अब उसकी बात पे भी हमको एक बार गौर करना पड़ेगा कि हाँ देखो भाई शायद इसके ऐसा ना हो कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूं और मैं घाटे में चला जाऊं। तो आर्गुमेंट जो होता है वो हमें यहाँ पे स्ट्रांग आर्गुमेंट लेके चलना है, ठीक है ना, वीक आर्गुमेंट को हमें नहीं लेना, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले देखिए आपको स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट के बाद आपको आर्गुमेंट दिया गया है। आर्गुमेंट आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ दिए गए हैं, आपको आंसर ए बी सी डी ई में देना है, ठीक है। जैसे स्टेटमेंट कह रहा है कि शुड इंडिया गो इन फॉर कंप्यूटराइजेशन इन ऑल पॉसिबल सेक्टर्स, क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए। तो पहला आर्गुमेंट है कि यस इट विल ब्रिंग इफिशियंसी एंड एक्यूरेसी इन द वर्क, हाँ यह कार्य में दक्षता और सटीकता लाएगा। दूसरा कह रहा है कि नो इट विल बी एन इनजस्टिस टू द मोनूमेंटल ह्यूमन रिसोर्सेज विच आर एट प्रेजेंट अंडर यूटिलाइज्ड, नहीं यह उन स्मारकीय मानव संसाधनों के साथ अन्याय होगा जिनका वर्तमान में कम उपयोग किया जा रहा है। तीसरा कह रहा है कि नो कंप्यूटराइजेशन डिमांड्स ए लॉट ऑफ मनी, वी शुड नॉट वेस्ट मनी ऑन इट, नहीं कंप्यूटरीकरण बहुत पैसा मांगता है, हमें इस पर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। तीसरा कह रहा है, चौथा कह रहा है कि यस व्हेन एडवांस कंट्रीज आर इंट्रोड्यूसिंग कंप्यूटर्स इन एवरी फील्ड हाउ कैन इंडिया अफोर्ड टू लैग बिहाइंड, हाँ जब उन्नत देश हर क्षेत्र में कंप्यूटर पेश कर रहे हैं तो भारत कैसे पिछड़ सकता है। अब आपको आंसर देना है ए बी सी डी ई में। ए कब देना है, ओनली फर्स्ट इज स्ट्रांग, केवल पहला मजबूत है। बी देना है ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रांग, केवल पहला और दूसरा मजबूत है। सी देना है ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आर स्ट्रांग, केवल पहला और तीसरा मजबूत है। चौथा देना है कि ओनली सेकंड एंड थर्ड आर स्ट्रांग, केवल दूसरा और तीसरा मजबूत है। और ई देना है ऑल आर स्ट्रांग, सभी मजबूत है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया कि भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए। तो अब आपको पता है कि भाई कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं वहां पर आप कंप्यूटर को क्यों लगाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर से वर्क की इस वर्क का स्पीड बढ़ जाता है भाई, जो वर्क आप कर रहे हैं उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और प्लस उसकी जो है एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। कोई भी काम अगर आपको करना है, जैसे मान लो भाई पैसे काउंटिंग काउंट करने हैं, आपने उसके लिए क्या किसका प्रयोग किया, मशीन का प्रयोग किया, क्योंकि आपको लगता है यार कि ऐसा नहीं, मतलब अपने आप काउंट करने के बाद भी एक बार आप मशीन में रखते हैं क्योंकि आपको लगता है कि नहीं यार मशीन एकदम एक्यूरेट बताएगी, अगर उससे कहीं गलती भी हो जाएगी तो मशीन एकदम एक्यूरेट चीजें बताएंगी। तो सही वही बात तो है कि अगर हम उस काम को कंप्यूटर के द्वारा कर देंगे, वहां पर कंप्यूटराइजेशन कर देंगे,
तो कहीं ना कहीं काम की स्पीड बढ़ जाएगी और काम की एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। तो पहला तो बिल्कुल मजबूत है, पहला तो आपका स्ट्रांग है, जो जिसमें ये कहा गया है कि यस इट विल ब्रिंग इफिशियंसी एंड एक्यूरेसी इन द वर्क। हाँ, यह कार्य में दक्षता और सटीकता लाएगा, बिल्कुल सही बात है, इसलिए कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि नहीं, यह उन स्मारकीय मानव संसाधनों के साथ अन्याय होगा जिनका वर्तमान में कम उपयोग किया जा रहा है। नहीं, ये स्ट्रांग आर्गुमेंट नहीं है, ठीक है ना, ये स्ट्रांग आर्गुमेंट नहीं है। तीसरा क्या कह रहा है कि नो कंप्यूटराइजेशन डिमांड्स ए लॉट ऑफ मनी, वी शुड नॉट वेस्ट मनी ऑन इट। अब देखिए भाई, कोई काम हमें करना है उसमें हमको एक्यूरेसी चाहिए, स्पीड चाहिए, तो फिर वहां पे वेस्ट ऑफ मनी की बात नहीं है, ठीक है भाई। जिस काम को करने में हमें बहुत समय लग रहा था, जैसे सपोज करो कोई भाई आपको टिकट काटना है, अब आपके पास एक स्मारक है जहाँ पे लोग पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट आते हैं और उसको देखने जाते हैं। अब वहाँ पर क्या था कि जब आपको हाथ से टिकट को लिखना था बहुत टाइम लग रहा है, आपने कंप्यूटर लगा दिया, वही काम आपको आपका कम समय में होने लगा, तो वहाँ पर वेस्ट ऑफ मनी की बात सही नहीं है, इसलिए जो तीसरा भी स्ट्रांग नहीं है। चौथे में कहा गया, यस व्हेन एडवांस्ड कंट्रीज आर इंट्रोड्यूसिंग कंप्यूटर्स इन एवरी फील्ड, हाउ कैन इंडिया अफोर्ड टू लैग बिहाइंड। अब देखो, इंडिया की जो इंडिया का कंपेरिजन किसी दूसरे देश से किया जा रहा है, तो यहाँ पर एक बात याद रखना कि जब भी कोई आर्गुमेंट किसी से कंपेरिजन के आधार पर दिया गया हो वो हमेशा गलत होता है, क्योंकि हम अपनी कंट्री की कंट्री कंपेरिजन दूसरे से नहीं कर सकते ना भाई। दूसरा क्या कर रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम क्या कर रहे हैं उस चीज पर यहां पर डिस्कशन करना है। तो यहां पर जब भी दूसरी कंट्री से कोई कंपेरिजन के आधार पर आर्गुमेंट दिया जाता है वो आपका हमेशा गलत है, तो ये आपका चौथा तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो है अदर कंट्रीज क्या करती हैं इससे हमें लेना देना नहीं है, हम क्या कर रहे हैं यहां पे हमें ये डिस्कस करना है। तो तीसरा भी आपका स्ट्रांग नहीं है, तो केवल पहला स्ट्रांग है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा यहां पे, आंसर हो जाएगा आपका ए, आंसर हो जाएगा आपका ए, ओनली फर्स्ट इज स्ट्रांग, केवल पहला मजबूत है, ठीक है ना, दूसरा तीसरा और चौथा मजबूत नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। तो समझ में आ रहा है किस प्रकार से हमको स्टेटमेंट और आर्गुमेंट को आर्गुमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आर्गुमेंट मतलब हो गया कि जो आपको एक सलाह दी जाती है ऐसा करने के लिए और ऐसा ना करने के लिए, तो जिसमें आपको अपनी पॉजिटिविटी दिखाई कि देख यहाँ इससे मुझे हेल्प मिल सकती है, ये अच्छा कर सकता है, तो उसको हमें लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि शुड इंडिया इमीडिएटली स्टॉप डिगिंग कोल फ्रॉम इट्स माइंस, क्या भारत को तुरंत अपनी खानों से कोयला खोदना बंद कर देना चाहिए। तो पहला कह रहा है कि यस द प्रेजेंट स्टॉक ऑफ कोल विल नॉट लास्ट लॉन्ग इफ वी कंटिन्यू माइनिंग एट द प्रेजेंट रेट। यदि हम वर्तमान दर पर खनन जारी रखते हैं तो कोयले का मौजूदा भंडार लंबे समय तक नहीं टिकेगा। दूसरा कह रहा है कि नो वी डू नॉट हैव अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेस ऑफ सफिशियंट क्वांटिटी, नहीं हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत नहीं है। तीसरा कह रहा है कि नो दिस विल पुट मिलियंस ऑफ पीपल एट ए डिसएडवांटेज एंड देयर लिप्स विल गेट एडवर्सली अफेक्टेड एंड आल्सो द इंडस्ट्री, नहीं इससे लाखों लोगों को नुकसान होगा और उनके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उद्योग पर भी। तो अब बताइए कौन सा सही होगा, एक कब देना है आपको, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड आर स्ट्रांग, केवल पहला और दूसरा मजबूत है। तीसरा है कि ओनली सेकेंड एंड थर्ड आर स्ट्रांग, केवल दूसरा और तीसरा मजबूत है। सी देना है ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आर स्ट्रांग, केवल पहला और तीसरा मजबूत है। चौथा देना है ऑल आर स्ट्रांग, सभी मजबूत है। और पांचवा कब देना है, नॉन इज स्ट्रांग, कोई भी मजबूत नहीं है। तो जल्दी से मुझे आंसर बताइए भाई क्या होगा सही आंसर, ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो अगर आप यहां पर देखें तो कहा क्या जा रहा है कि शुड इंडिया इमीडिएटली स्टॉप डिगिंग कोल फ्रॉम इट्स माइन, क्या भारत को तुरंत अपनी खानों से कोयला खोदना बंद कर देना चाहिए। तो पहले में कहा गया कि यस
द प्रेजेंट स्टॉक ऑफ कोल विल नॉट लास्ट लॉन्ग इफ वी कंटिन्यू माइनिंग एट द प्रेजेंट रेट। हाँ, यदि हम वर्तमान दर पर खनन जारी रखते हैं तो कोयले का मौजूदा भंडार लंबे समय तक नहीं टिकेगा। दूसरा क्या कह रहा है कि नो वी डू नॉट हैव अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेस ऑफ सफिशियंट क्वांटिटी, नहीं हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत नहीं है। तो देखिए, जब तक आपके पास अल्टरनेट सोर्स नहीं है तब तक आपको माइनिंग बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माइनिंग बंद कर देने से फिर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। भाई जैसे सपोज करो आपको कोयले से अब लाइट मिलती है, ठीक है ना, अब कोयले से जब लाइट मिलती है, अभी आपने हाल ही दिनों देखा होगा कोयले की कमी हो गई थी। कोयले की कमी होने से क्या हुआ था कि हमारे देश में बिजली का संकट उत्पन्न हो गया था, और बिजली के संकट उत्पन्न होने से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ठीक है ना, हमको आपको प्रॉब्लम आने लगी। जो जहां लाइट जो है 18 से 20 घंटे आती थी, वहां केवल 10-10 घंटे लाइट दी जाने लगी, तो वहां पर उद्योग बंद होने लगे, लोगों के सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। इसलिए अगर माइनिंग बंद कर दी जाएगी तो जब तक नहीं बंद करना चाहिए जब तक उसका कोई अल्टरनेट सोर्स हमारे पास ना हो। हाँ, अगर अल्टरनेट सोर्स है आपके पास तो फिर आप माइनिंग बंद कर दीजिए, लेकिन अगर नहीं है तो फिर माइनिंग बंद करने पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इसलिए माइनिंग नहीं बंद कर सकते, क्योंकि अभी हमारे पास वी डू नॉट हैव अल्टरनेट एनर्जी सोर्स ऑफ सफिशियंट क्वांटिटी, हमारे पास जो है पर्याप्त मात्रा में वैकल्पिक स्रोत नहीं है एनर्जी का। और जो है तीसरा भी बिल्कुल सही कह रहा है कि नहीं, नो दिस विल पुट मिलियंस ऑफ पीपल एट ए डिसएडवांटेज एंड देयर लिव्स विल गेट एडवर्सली, ठीक है ना, अफेक्टेड एंड ऑल्सो द इंडस्ट्री। जो लोग हैं, जो हम और आप लोग हैं, ठीक है ना, हमारे आपके जीवन पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, हम लोग परेशान हो जाएंगे, ठीक है ना, तो और जो इंडस्ट्रीज है भाई वो बंद होने लगेंगी, उन पर भी तो प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उनको भी तो एनर्जी उसी कोयले से मिल रही है। तो सेकेंड और थर्ड स्ट्रांग है, लेकिन फर्स्ट आपका स्ट्रांग नहीं है। तो यहां पे आपका सेकेंड और थर्ड स्ट्रांग है, देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आपने कहा ऑप्शन बी में दिया गया है, ओनली सेकेंड एंड थर्ड आर स्ट्रांग, केवल दूसरा और तीसरा मजबूत है, क्योंकि माइनिंग बंद कर देने से प्रतिकूल प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि दूसरा हमारे पास अल्टरनेट रिसोर्स नहीं है उसके लिए। हाँ, अगर अल्टरनेट रिसोर्स होता तो माइनिंग आप बंद कर सकते हैं। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि शुड द पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन इंडिया बी हेल्ड एवरी 3 ईयर्स एज अगेंस्ट 5 ईयर्स एट प्रेजेंट। क्या भारत में संसदीय चुनाव वर्तमान में 5 वर्ष की तुलना में हर 3 वर्ष में होने चाहिए? अब देखिए, तो यहाँ पे चुनाव की बात कर रहा है कि भाई जो इलेक्शन है क्या वो 5 वर्ष की जगह 3 वर्ष में कराए जाने चाहिए। तो पहला कह रहा है कि नो दिस विल एनहेंस वेस्टेज ऑफ मनी एंड रिसोर्सेस, नहीं इससे पैसे और संसाधनों की बर्बादी बढ़ेगी। बात बिल्कुल सही है। देखो भाई, ऐसा है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो उसमें बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारे रिसोर्सेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। अब रिसोर्सेस को अगर लाना है तो मनी को देना है, तो मनी वेस्टेज ज्यादा बढ़ जाएगा, पैसे की बर्बादी ज्यादा होने लगेगी। इसलिए जो है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए पहला तो आपका स्ट्रांग है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे पैसे और संसाधनों की बर्बादी बढ़ेगी। अब बिल्कुल सही बात है भाई, संसाधन के लिए हमको मनी खर्च करना पड़ेगा, तो संसाधन ज्यादा। अब इलेक्शन कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं कि चलो भाई ठीक है करा दिया। इलेक्शन कराने के लिए बहुत ज्यादा मनी की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेस की जरूरत पड़ती है। इसलिए हर 3 साल में अगर कराया जाएगा तो वेस्टेज ऑफ मनी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए पहला बिल्कुल स्ट्रांग है। दूसरा क्या कह रहा है कि यस दिस विल हेल्प द वोटर्स टू चेंज नॉन परफॉर्मिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट मच डिले। हाँ, इससे मतदाताओं को अकार्यकारी प्रतिनिधियों को अविलंब बदलने में मदद मिलेगी। तीसरा कह रहा है कि नो द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल नॉट हैव
इनफ टाइम टू सेटल द कंसंट्रेट ऑन डेवलपमेंट एक्टिविटीज, नहीं निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास व्यवस्थित होने और विकासात्मक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा। अब भाई देखो, अभी अभी तो चुनाव हुआ, अभी तो उसको रिलैक्स मिला कि चलो भाई मैं चुनाव जीत गया, और जैसे ही रिलैक्स हुआ अभी तो उसको ज़्यादा टाइम मिला कहाँ, तो उसको थोड़ा टाइम तो दीजिए ताकि उसको विकास करने के लिए कुछ टाइम मिले, और अगर हाँ उस समय पर विकास नहीं करता तो फिर आप आगे उसको बदल दीजिए। लेकिन तुरंत फैसला नहीं हम कर सकते कि आज चुनाव हुआ कल हमने कह दिया नहीं वो विकास नहीं कर रहा, उसको टाइम हमें देना चाहिए। इसलिए जो है तीसरा भी आपका क्या है, स्ट्रांग है, दूसरा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है भाई, थोड़ा समय तो उसको देना पड़ेगा ना। आज आपने उसको उसको चुनाव जिताया है, आज वो अभी जो है चुनाव जीत करके आया है, अब थोड़ा उसको समय दीजिए, फिर देखिए कि वो आप जो है विकास के कार्य करता है कि नहीं करता, अगर नहीं करेगा तो फिर आगे उसको आप बदल दीजिए, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट और थर्ड आपका स्ट्रांग है लेकिन सेकेंड स्ट्रांग नहीं है। तो ए में क्या दिया है, नन इज स्ट्रांग, कोई भी मजबूत नहीं है, तो ए तो सही नहीं होगा। बी दिया है आपका फर्स्ट, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड आर स्ट्रांग, केवल पहला और दूसरा मजबूत है, नहीं, ओनली सेकेंड एंड थर्ड आर स्ट्रांग, केवल दूसरा और तीसरा मजबूत है, नहीं। चौथा आपका सही आंसर होगा, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आर स्ट्रांग, केवल पहला और तीसरा मजबूत है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी आपका सही आंसर होगा, डी आपका सही आंसर होगा, ऑल आर स्ट्रांग, नहीं, केवल दूसरा, केवल पहला और तीसरा आपका क्या है, मजबूत तर्क है। तो आंसर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। क्वेश्चन कह रहा है कि शुड ऑल द मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इन द कंट्री बी ब्रॉट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, क्या देश के सभी प्रबंधन संस्थानों को सरकारी नियंत्रण में लाया जाना चाहिए, ठीक है ना, जो आपके सारे प्राइवेट जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है क्या उनको जो है सरकारी नियंत्रण में लाया जाना चाहिए। तो पहला कह रहा कि नो, द गवर्नमेंट डज नॉट हैव एडवोकेट रिसोर्सेज टू रन सच इंस्टीट्यूट्स इफेक्टिवली, नहीं, सरकार के पास ऐसे संस्थानों को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। तो ये बात तो कहना गलत है भाई, सरकार के पास बहुत अच्छे अच्छे साधन हैं जिससे वो इन इंस्टीट्यूट को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती है, चला सकती है। तो पहला जो है आपका गलत है, क्योंकि ये कहना गलत बात कि नो द गवर्नमेंट डज नॉट हैव एडोकेट रिसोर्सेज टू रन सच इंस्टीट्यूट इफेक्टिवली, क्योंकि उसके पास बहुत अच्छे अच्छे संसाधन हैं जिससे उन इंस्टीट्यूट को बहुत बेहतर तरीके से चला सकती है, ठीक है। तो पहला तो स्ट्रांग नहीं है। जरा दूसरे की बात करिए, दूसरे क्या कह रहा है कि नो ईच इंस्टीट्यूट शुड बी गिवन फ्रीडम टू फंक्शन ऑन इट्स वन, नहीं, प्रत्येक संस्थान को अपने दम पर कार्य करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तो अब यहाँ पर जो है ये दूसरा जो आपका आर्गुमेंट है ये इसको इससे रिलेट नहीं कर पा रहा, ठीक है ना, इसके बारे में सही से स्पष्ट तरीके से नहीं उसमें बताया गया, ठीक है। तो दूसरा भी आपका सही, तीसरा ज्यादा बात की, तीसरा क्या कह रहा है कि यस दिस बिल एनेबल टू हैव स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट, हाँ यह सभी छात्रों के लिए मानकीकृत शिक्षा प्रदान करने में सक्षम होगा। तो ऐसा भी नहीं कह सकते भाई, हम ये तो नहीं कह रहे कि नहीं जो अभी जो सरकार के कंट्रोल में नहीं है, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, वहां पर स्टैंडर्ड एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो क्या ये जरूरी है कि नहीं ऐसा हो जाएगा स्टैंडर्डाइज, मतलब कि क्या एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, ऐसा भी तो हम नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो यहां पर जो है तीसरा भी आपका स्ट्रांग नहीं है कि यह जो है हाँ यह सभी छात्रों के लिए मानकीकृत शिक्षा प्रदान करने में सक्षम होगा, नहीं कह सकते, क्योंकि जो आपका प्रेजेंट टाइम पर जो एजुकेशन है वो ऐसा नहीं कि नहीं स्टैंडर्ड एजुकेशन वहां पे नहीं मिल रहा, ऐसा इसमें कहीं भी नहीं कहा गया, ठीक है ना, इसलिए ये भी सही नहीं है। चौथे की जरा बात करें कि यस ओनली देन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वुड बी इम्प्रूव्ड, हाँ तभी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए चौथा भी आपका गलत है, ठीक है।
क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। ये केवल अगर ऐसा नहीं कि आप गवर्नमेंट के कंट्रोल में कोई एजुकेशन को दे दें तो शिक्षा के स्तर में वो सुधार हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट जो है, प्राइवेटाइजेशन जो होता है वो शिक्षा की गुणवत्ता को खराब कहीं से नहीं करता। इसलिए जो है आपका चौथा भी स्ट्रांग आर्गुमेंट नहीं है, तो कोई भी आपके मजबूत नहीं, ना पहला ना दूसरा ना तीसरा ना चौथा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए सही होगा, नन इज स्ट्रांग, ए सही आंसर होगा, कोई भी मजबूत नहीं है, नन इज स्ट्रांग, कोई भी मजबूत नहीं है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, क्वेश्चन है कि शुड द गवर्नमेंट बैन ऑल फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट इंक्लूडिंग स्ट्राइक्स एंड प्रोसेशंस, क्या सरकार को हड़तालों और जुलूसों सहित सभी प्रकार के विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो पहला है कि यस दिस इज द ओनली वे टू टीच डिसिप्लिन टू द एम्प्लॉय, हाँ कर्मचारियों को अनुशासन सिखाने का यही एकमात्र तरीका है। तो देखो भैया कि अगर जो है यहाँ पर एम्प्लॉयज जो आपके स्ट्राइक कर रहे हैं या जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अगर इनको बैन कर दिया जाएगा तो यही एकमात्र तरीका उनको डिसिप्लिन सिखाने का है, ये बात सही नहीं, ये आर्गुमेंट स्ट्रांग नहीं है। और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं उनको डिसिप्लिन सिखाने का, ठीक है ना, उनको जो है अनुशासन सिखाने का और भी तरीके हो सकते हैं, तो यही एकमात्र तरीका है, ये आपका सही नहीं है। दूसरी जरा बात करें अगर कि नो गवर्नमेंट कैन नॉट डिप्राइव इट्स सिटीजन्स ऑफ देयर बेसिक राइट्स, नहीं सरकार अपने नागरिकों को उनके मूल अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती, सही बात है, ये भाई उसका राइट है, प्रोटेस्ट करना, स्ट्राइक करना उसका राइट है, इसलिए सरकार उसके जो है मूल अधिकारों को भी जो है उससे छीन नहीं सकती, उसके राइट्स को उससे छीन नहीं सकती। चूंकि किसी चीज़ का विरोध करना, उस चीज़ के लिए हड़ताल करना, ये हमारा आपका राइट है भाई, कोई चीज़ हमारे साथ सही नहीं हो रही, हम उसके लिए हड़ताल कर रहे हैं, हम उसके लिए जो है जुलूस निकाल रहे हैं, तो जो है हमारे राइट्स को भी सरकार जो है हमसे छीन नहीं सकती, इसलिए दूसरा स्ट्रांग है कि सही बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है सरकार अपने नागरिकों को उनके मूल अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती, जो स्ट्राइक करना और प्रोटेस्ट करना हमारा आपका फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है ना। तीसरे की जरा बात करते हैं, तीसरा क्या कह, यस दिस इज द ओनली वे टू इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी विदाउट डिसरप्शन ऑफ वर्क, हाँ काम में व्यवधान के बिना अधिकतम उत्पादकता सुनिश्चित करने का यही एकमात्र तरीका है। अब देखिए होता क्या है कि जब आप स्ट्राइक या प्रोटेस्ट करते हैं तो बहुत सारी कंपनियों में काम वगैरह क्या हो जाता है, बंद हो जाता है भाई, किसी कंपनी में प्रोटेस्ट कर दिया गया तो वहां, या कोई स्ट्राइक हो गई तो सारे काम क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। इससे क्या होता है कि प्रोडक्ट जो उसका प्रोडक्शन है वो घट जाता है, और प्रोडक्शन घटने से फिर क्या होता है जो है लोगों को परेशानियां होने लगती हैं भाई, किसी सामान जो सामान की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसका प्रोडक्शन घट गया तो महंगाई दर क्या हो जाएगी, बढ़ने लगती है। तो सही बात है, कहीं ना कहीं बैन इसलिए होना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है कि लोग जो है स्ट्राइक करके बहुत सारी कंपनियों में काम को बिल्कुल पूरी तरीके से ठप कर देते हैं, बंद करवा देते हैं, जिससे उनके प्रोडक्शन में, उनकी प्रोडक्टिविटी में क्या आता है, प्रॉब्लम आती है, जिससे आगे जो है लोगों को बहुत परेशानियाँ होती हैं। इसलिए जो है तीसरा भी आपका स्ट्रांग है, तीसरा भी आपका स्ट्रांग है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, दूसरा और तीसरा आपका स्ट्रांग है। तो पहला क्या है यहाँ पे आंसर, नॉन स्ट्रांग, कोई भी मजबूत नहीं है। दूसरा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रांग, केवल पहला और दूसरा मजबूत है, नहीं, ओनली सेकंड एंड थर्ड आर स्ट्रांग, बिल्कुल सही है, केवल दूसरा और तीसरा प्रबल है या मजबूत है, ठीक है ना, ठीक है, दूसरा और तीसरा क्या है, मजबूत है, ठीक है, तो दूसरा और तीसरा इस बात के लिए बिल्कुल सही है कि भाई यहाँ पर उनके फंडामेंटल राइट्स को हम छीन नहीं सकते, सरकार छीन नहीं सकती, और ये भी बात सही है कि अगर बैन हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, जैसे किसी कंपनी वगैरह में आप स्ट्राइक करते हैं वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, जिससे प्रोडक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा भाई।
क्वेश्चन कह रहा है कि शुड चिल्ड्रन बी प्रिवेंटेड कंप्लीटली फ्रॉम वॉचिंग टेलीविजन, क्या बच्चों को टीवी देखने से पूरी तरह रोक देना चाहिए? तो पहला कह रहा है कि नो, बी गेट वाइटल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एजुकेशन थ्रू टेलीविजन, नहीं, हमें शिक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी टेलीविजन के माध्यम से प्राप्त होती है। तो सही बात है, सरकार आपके लिए बहुत प्रकार के जो है एजुकेशन से रिलेटेड चैनल्स इसलिए चलाती है कि उनसे आपको अच्छी एजुकेशन मिल सके, और जो लोग किसी कारणवश बाहर जाके कहीं अच्छी एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकते वो घर बैठे भी अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सके। या जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के दौरान कोई समस्या हो गई आपको, तो आप बहुत सारे ऐसे सरकार आपके लिए टीवी चैनल्स चलाती है जिससे आप जो है उन चीज़ों को देख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो टीवी के माध्यम से बिल्कुल बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो पहला तो आपका बिल्कुल स्ट्रांग है कि नो, बी गेट वाइटल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एजुकेशन थ्रू टेलीविजन, नहीं, हमें शिक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी टेलीविजन के माध्यम से प्राप्त होती है। तो बिल्कुल सही बात है, जैसे मान लीजिए हम लोग न्यूज देखते हैं, अब न्यूज से डेली हमें पता चलता है कि भाई हाँ हमारे देश में क्या हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज के चैनल आते हैं जो बच्चों के लिए बहुत मददगार होते हैं, ठीक है। तो इसलिए पहला आपका बिल्कुल स्ट्रांग है, पहला आपका स्ट्रांग है। दूसरा क्या कह रहा है कि यस इट हैम्पर्स द स्टडी ऑफ चिल्ड्रन, हाँ इससे बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। अब देखिए बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है तब जब बच्चा लगातार टीवी देख रहा हो, तो आप एक काम करो, आप उसका एक शेड्यूल बना दो ना, आप उसका एक शेड्यूल बना दीजिए कि भाई तुमको अब दिन भर तो पढ़ाई भी नहीं कर सकता, तो एक शेड्यूल बना दीजिए कि भाई तुमको 2 घंटे टीवी देखना है या तुमको 1 घंटे टीवी देखना है। तो शेड्यूल अगर आप बना देंगे तो उसकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आएगी, ठीक है ना। इसलिए दूसरा आपका स्ट्रांग नहीं है, दूसरा आपका स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि इसका सलूशन है, क्योंकि इसका सलूशन ये है कि आप उसका शेड्यूल बना सकते हैं कि भाई तुम दिन भर टीवी मत देखो, केवल 1 घंटे तुमको टीवी देखना है, बाकी समय पढ़ाई करना है। उसने कहा ठीक है भाई, मैं अच्छे 1 घंटे टीवी देख लूंगा, बाकी समय पढ़ाई कर लूंगा। तो इसलिए जो है पढ़ाई, इससे बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है, ये स्ट्रांग आर्गुमेंट नहीं है। तीसरा जरा बात करते हैं, यस यंग चिल्ड्रन आर मिसगाइडेड बाई सर्टेन प्रोग्राम्स फीचरिंग सेक्स एंड वायलेंस, हाँ छोटे बच्चों को सेक्स और हिंसा दिखाने वाले कुछ कार्यक्रमों द्वारा गुमराह किया जाता है। तो देखिए इसका भी एक सलूशन हो सकता है, भाई बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे चैनल्स ऐसे आते हैं जिनमें वायलेंस के बारे में दिखाया जाता है, तो आप उनको कुछ सिलेक्टेड चैनल ही देखने के लिए कहिए, आप शेड्यूल उनका बना दीजिए पढ़ाई के लिए और सिलेक्टेड चैनल आप उनको दिखाइए कि हाँ भाई आपको केवल यही चैनल देखना है, अगर टीवी आपको देखनी है तो आपको यही चैनल देखने हैं, इसके अलावा कोई दूसरा चैनल आपको नहीं देखना, ठीक है ना। तो आप उसको सिलेक्टेड चैनल दिखाइए, इसलिए जो है तीसरा भी आपका स्ट्रांग नहीं है, भाई सारे चैनल मत दिखाइए, वो चैनल मत दिखाइए जिसमें वायलेंस दिखाया जाता है, आप केवल उसको कुछ सिलेक्टेड चैनल दिखाइए जिसमें उसके काम की चीजें आती हैं, जो एक्टिविटीज आती हैं, जो पढ़ाई से रिलेटेड चीजें आती हैं, उन चैनल्स को आप उसको दिखाइए। तो तीसरा भी स्ट्रांग आर्गुमेंट नहीं है। चौथा क्या कह रहा है कि नो, दिस इज द ओनली वे टू एडुकेट द मासेस, नहीं, जनता को शिक्षित करने का यही एकमात्र तरीका है, ऐसा नहीं है, मासेस को एजुकेट करने के और भी तरीके होते हैं, केवल टीवी ही जो है उनको एजुकेट करने का एक साधन नहीं है, इसलिए ये आपका बिल्कुल स्ट्रांग आर्गुमेंट नहीं है। तो स्ट्रांग आर्गुमेंट कौन सा है, केवल और केवल पहला। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए में क्या दिया है, ओनली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर स्ट्रांग, केवल पहला दूसरा और तीसरा मजबूत है, नहीं, बी क्या है, ओनली फर्स्ट इज स्ट्रांग, बी सही होगा, केवल पहला मजबूत है, केवल जो पहला आपका आर्गुमेंट है वो आपका स्ट्रांग है, क्लियर है। तो आंसर बी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि शुड गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हायर लेवल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IITs बी प्राइवेटाइज्ड, क्या सरकार द्वारा स्थापित उच्च स्तरीय प्रौद्योगिक संस्थानों IIT का निजीकरण किया जाना चाहिए। तो पहला कह रहा है कि यस,
प्राइवेटाइजेशन विल मेक दीज इंस्टीट्यूट फाइनेंशियली हेल्दी कंपिटेटिव एंड क्वालिटी कंसिशियस। हाँ, निजीकरण इन संस्थानों को आर्थिक रूप से स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी और गुणवत्ता के प्रति जागरूक बनाएगा। तो बिल्कुल सही बात है भाई, जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, जब उसको प्राइवेट कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से उसको मदद मिलेगी, ठीक है ना, इकोनॉमिक के लिए वो बहुत स्ट्रांग होगा। कंपिटेटिव जो कंपटीशन की एक चीजें हैं, और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उसमें बहुत अच्छा हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो कंपिटेटिव एंड क्वालिटी कंसिशियस है, ठीक है ना, प्रतिस्पर्धी और गुणवत्ता, इसको बढ़ा सकते हैं हम, ठीक है। तो बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन के थ्रू जो है इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। उसका जो है प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे भाई ये हो जाएगा ना कि अब मुझे मैंने प्राइवेट दे दिया, प्राइवेट में आ गया, अगर अच्छा कंपिटिटिव जो है वहाँ पे प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, अच्छी गुणवत्ता नहीं होगी, तो वहाँ लोग आएंगे कैसे, मेरे पास जो है एडमिशंस नहीं होंगे, इसलिए वो अपनी गुणवत्ता में कहीं ना कहीं सुधार करते रहेंगे। इसलिए पहला बिल्कुल स्ट्रांग है, बिल्कुल पहला स्ट्रांग है। दूसरा क्या है, यस प्राइवेटाइजेशन इज द की ऑफ द न्यू इरा, कैन बी सर्वाइव विदाउट इट। हाँ, निजीकरण नए युग की कुंजी है, क्या हम इसके बिना जीवित रह सकते हैं? तो देखो भैया, ऐसा है कि न्यू इरा इस समय का ट्रेंड है, इस आधार पे हम इसको दे दें, ये बात बिल्कुल गलत है। इस आधार पे हम इसको दे दें, वर्तमान में क्या चलन है, वर्तमान में क्या चल रहा है, इस आधार पे अगर हम इसको कह दें तो भविष्य क्या होगा, फिर उसके आधार पे हम उसको नहीं बता सकते ना, हो सकता है कि बाद में इन चीजों में खामियां आ जाए। तो इसलिए जो है वर्तमान में क्या ट्रेंड है, इस आधार पे कोई भी निर्णय आप नहीं ले सकते, इसलिए सेकंड गलत है, सेकंड आपका जो है स्ट्रांग आर्गुमेंट नहीं है। तीसरा, नो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ दीज इंस्टीट्यूट विल फॉल, नहीं, इन संस्थानों की शिक्षा का स्तर गिरेगा। देखिए, प्राइवेट जो है सेक्टर है वो कहीं से भी एजुकेशन को बिगाड़ते नहीं है, ठीक है ना, कहीं से भी नहीं, वो एजुकेशन को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए तीसरा आर्गुमेंट भी आपका स्ट्रांग आर्गुमेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल पहला आर्गुमेंट आपका स्ट्रांग है, नन इज स्ट्रांग, नहीं, ऑल आर स्ट्रांग, नहीं, ओनली फर्स्ट इज स्ट्रांग, बिल्कुल सी आंसर सही होगा, केवल पहला मजबूत है, ठीक है ना, केवल पहला आर्गुमेंट आपका स्ट्रांग आर्गुमेंट है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा, शुड द कंजप्शन ऑफ एरियाटेड ड्रिंक्स बी बैंड इन इंडिया, क्या वातित पेय का सेवन भारत में प्रतिबंधित होना चाहिए? तो पहला कह रहा है कि यस, दिस इज द ओनली वे टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सपोइजिंग पीपल टू सम डिजीज। हाँ, लोगों को किसी बीमारी के संपर्क में आने के जोखिम को कम करने का यही एकमात्र तरीका है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि नो, ईच इंडिविजुअल शुड हैव राइट टू चूज व्हाट बी व्हाट ही वांट्स, नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को यह चुनने का अधिकार होना चाहिए कि वह क्या चाहता है। तीसरा है कि नो, देयर इज नो कन्फर्म एविडेंस दैट सच प्रोडक्ट्स हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी, नहीं, इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि ऐसे उत्पादों का मानव शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चौथा है कि यस, इट इज बैंड इन मैनी अदर कंट्रीज आल्सो, हाँ, कई अन्य देशों में भी यह प्रतिबंधित है। अब आपको बताना कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो आपने तो चौथा देखते ही गलत कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि यदि अपने देश की तुलना किसी अन्य देश से हो रही है तो फिर वो आर्गुमेंट आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। तो चौथा आर्गुमेंट तो बिल्कुल गलत है। अब जरा हम बात करते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड की। थर्ड में कह रहा है, सेकंड में कह रहा है कि नहीं, थर्ड में कह रहा है कि नहीं, इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं कि ऐसे उत्पादों का मानव शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो अब एक चीज मुझे बताइए कि जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है ना, अब वो प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा खासा चल रहा है, अब अगर उसको बैन करना है तो कहीं ना कहीं उसके डिसएडवांटेज सरकार को बताने पड़ेंगे ना कि भाई इससे ये हो रहा है, इसके देखिए ये प्रमाण है, ये इसका सबूत है कि इसमें ये चीज ज्यादा है। तो अगर उसका कोई प्रमाण ही नहीं है
तो फिर बिना प्रमाण के हम किसी भी चीज को बैन नहीं करा सकते। तो ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा तो बिल्कुल स्ट्रांग है कि नो, देयर इज नो कंफर्म एविडेंस दैट सच प्रोडक्ट्स हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। इसके कोई प्रमाणित सबूत नहीं है कि जो है ये प्रोडक्ट जो है प्रतिकूल प्रभाव डालता है मानव शरीर पर। तो जब भैया उस आपके पास एविडेंस नहीं है तो आप उसको किस आधार पर बैन कराएंगे। इसलिए जो है तीसरा जो है आपका स्ट्रांग आर्गुमेंट है। दूसरे की अगर बात करें तो कि नो, ईच इंडिविजुअल शुड हैव राइट टू चूज व्हाट ही वांट्स। नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को यह चुनने का अधिकार होना चाहिए कि वह क्या चाहता है। बिल्कुल सही बात है। उसको वो क्या खाना चाहता है, क्या पहनना चाहता है, क्या खरीदना चाहता है, ये सब चीजों की उसको फ्रीडम होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई चीज उसके शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है तो सरकार का भी ये एक कर्तव्य है कि वह उन चीजों को बैन कर दे। भाई अगर कोई चीज है, कोई चाहे वो दवा हो, चाहे कोई वो पेय हो, चाहे कुछ भी हो, अगर सरकार को पता है कि इससे जो है लोगों के शरीर पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो उसको सरकार को बैन कर देना चाहिए। इसलिए जो है दूसरा गलत है। हमारा फ्रीडम है, हम चाहते हैं, बिल्कुल बात सही है, चुनने का अधिकार होना चाहिए, बात बिल्कुल सही है। लेकिन सरकार का ये अधिकार है कि अगर कोई चीज हमें जो है हमारे शरीर में प्रतिकूल प्रभाव डालती है तो उसके उसको सरकार को बैन कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका जो है दूसरा जो है वो आपका स्ट्रांग आर्गुमेंट नहीं है। पहले की अगर बात करें कि हाँ, लोगों को किसी भी बीमारी के संपर्क में आने के जोखिम को कम करने का यही एकमात्र तरीका है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, और भी तरीके हो सकते हैं। तो पहला भी आपका स्ट्रांग आर्गुमेंट नहीं है। तो केवल तीसरा आर्गुमेंट स्ट्रांग है कि भाई ऐसे उत्पाद को आप तब तक नहीं बंद कर सकते जब तक कि आपके पास एविडेंस ना हो, जब तक आपके पास प्रूफ ना हो। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, केवल तीसरा आर्गुमेंट स्ट्रांग है, केवल तीसरा मजबूत है। तो देखिए एबीसीडी में कौन सा आंसर होगा। तो ए कह रहा है कि ओनली फर्स्ट इज स्ट्रांग, केवल पहला मजबूत है। बी कह रहा है कि ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड आर स्ट्रांग, केवल पहला और दूसरा मजबूत है। तीसरा है ओनली थर्ड इज स्ट्रांग, केवल तीसरा मजबूत है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहां पे सी आंसर सही आंसर होगा, केवल तीसरा मजबूत है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि शुड देयर बी कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर ईच कॉलेज स्टूडेंट इन इंडिया। क्या भारत में प्रत्येक कॉलेज के छात्र के लिए अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण होना चाहिए। तो आर्गुमेंट है पहला कि यस, दिस इज द ओनली वे टू बिल्ड ए स्ट्रांग एंड पावरफुल नेशन। हाँ, ये एक मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का यही एकमात्र तरीका है, ऐसा तो नहीं है। और भी तरीके हो सकते हैं जो है नेशन को मजबूत बनाने के, राष्ट्र को मजबूत और शक्तिशाली बनाने के और भी तरीके हो सकते हैं। तो यही एकमात्र तरीका है, ये कहना बिल्कुल गलत है। ओनली वे, ठीक है ना, टू बिल्ड ए स्ट्रांग एंड पावरफुल नेशन। दूसरा कह रहा है कि नो, कंपल्सन ऑलवेज लीड टू रिपल्सन। नहीं, मजबूरी हमेशा विकर्षण की ओर ले जाती है। अब देखिए यहां पे क्या कहा जा रहा है कि शुड देयर बी कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर ईच कॉलेज स्टूडेंट इन इंडिया, अनिवार्य करना चाहिए। अब सपोज करो अनिवार्य कर दिया गया, किसी का मन नहीं है भाई जो है आर्मी में जाने का, सेना में जाने का। तो अब जब उसका मन नहीं है और बिना मन के जब कोई काम किया जाता है तो कहीं ना कहीं आप उतनी उतने पावर से नहीं करते, उतनी एनर्जी से नहीं करते। भाई देश सेवा करने का हमारे अंदर जज्बा है तो हम बहुत ही पावर से एनर्जी के साथ करेंगे। लेकिन जैसे हमको जबरदस्ती कर दिया गया आपको जाना ही जाना है तो फिर हम उस पावर से, उस एनर्जी से वो काम नहीं करते। तो बिल्कुल सही बात है कि जो है नहीं, जो मजबूरी है। अब मजबूरी वर्ड किस लिए आया, क्योंकि यहां पर लिखा गया है कि कंपल्सरी करना चाहिए। तो अगर किसी चीज को आप कंपल्सरी करेंगे तो कंपल्सन ऑलवेज लीड्स टू रिपल्सन। सही बात है कि जो अनिवार्य कर दिया जाएगा तो जो मजबूरी है किसी चीज के लिए, फोर्स किया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो एक विकर्षण की तरफ उस आदमी को ले जाएगी। नहीं यार, मेरा मन नहीं करने का, मैं नहीं जाऊं, मैं तो जाके खड़ा रहूंगा।
तो फिर वो उस पावर से उस एनर्जी से उस काम को करेगा ही नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल ये दूसरा वाला आपका जो है आर्गुमेंट बिल्कुल स्ट्रांग आर्गुमेंट है। तीसरा कह रहा कि यस दिस इज द ओनली वे टू इम्पार्ट डिसिप्लिन टू द यंग जनरेशन। हाँ, युवा पीढ़ी को अनुशासन प्रदान करने का यही एकमात्र तरीका है। ऐसा नहीं है भाई, यंग जनरेशन को डिसिप्लिन सिखाने के और भी तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है यही एकमात्र तरीका है, ये कहना भी आपका बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए ये भी आपका जो है स्ट्रांग आर्गुमेंट नहीं है। तीसरा क्या है, नो दिस गोज अगेंस्ट द बेसिक डेमोक्रेटिक राइट्स राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू चूज हिज हर वन प्रोग्राम। नहीं, यह किसी व्यक्ति के अपने कार्यक्रम को चुनने के बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार के खिलाफ जाता है। तो आपने कहा कि अगर यहां पर देखा जाए तो यहां पर जो है अगर हम बात करें चौथे की, तो उसमें क्या कह रहा है कि नो दिस इज गोज अगेंस्ट द बेसिक डेमोक्रेटिक राइट। ठीक है, डेमोक्रेटिक राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू चूज हिज हर वन प्रोग्राम, बिल्कुल सही बात है भाई। आपने अनिवार्य कर दिया तो ये जो है हमारे मूल अधिकारों के या फंडामेंटल राइट के क्या हो जाएगा, खिलाफ हो जाएगा। जहां पे हमें अपना कैरियर चुनने की स्वतंत्रता है, हम जिस फील्ड में चाहें उस फील्ड में हम अपना कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्ट्रांग आर्गुमेंट है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या हो जाए, इससे क्या हो जाएगा कि यह किसी व्यक्ति के अपने कार्यक्रम को चुनने के बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि आपने एक चीज को अनिवार्य बना दिया कि नहीं ऐसा आपको करना ही करना है। ठीक है, तो चौथा आर्गुमेंट भी आपका स्ट्रांग आर्गुमेंट होगा। तो दूसरा और चौथा आपका स्ट्रांग होगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, फर्स्ट में दिया गया ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड आर स्ट्रांग। नहीं, ओनली सेकेंड एंड फोर्थ आर स्ट्रांग, बिल्कुल सही है, बी आपका सही आंसर होगा। केवल दूसरा और चौथा मजबूत है। ठीक है ना, सेकेंड और फोर्थ आपके आर्गुमेंट कैसे आर्गुमेंट है, स्ट्रांग आर्गुमेंट है। ठीक है, तो यहां पर हमेशा आपको स्ट्रांग आर्गुमेंट के साथ जाना है, वीक आर्गुमेंट को आपको नहीं लेना। क्लियर, तो समझ में आ रहा है किस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं स्टेटमेंट और आर्गुमेंट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चों अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, क्या आएगा अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। शुड रिलीजन बी टॉट इन आवर स्कूल, क्या हमारे स्कूलों में धर्म पढ़ाया जाना चाहिए। तो पहला आर्गुमेंट कह रहा है कि नो आवर्स इज ए सेक्युलर स्टेट, नहीं हमारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो धर्मनिरपेक्ष है तो इस आधार पर तो हम नहीं कह सकते कि भाई धर्म की शिक्षा मत दीजिए। ठीक है ना, धर्मनिरपेक्ष मतलब हर धर्म को मानने वाला है। तो धर्मनिरपेक्ष मतलब कि वहां पर ये नहीं कह सकते हम इस पर्टिकुलर धर्म को मान रहे हैं, वहां पे हर धर्म को समानता से देखा जाता है। तो फिर इस आधार पे हम ये नहीं कह सकते कि धर्म की शिक्षा मत दीजिए। दूसरा क्या कह रहा है कि यस टीचिंग रिलीजन हेल्प इन इन कुल के कुलकेट मोरल वैल्यूज एमंग चिल्ड्रन। हाँ, धर्म की शिक्षा बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने में मदद करती है, बिल्कुल सही बात है। अगर भाई उसको रिलीजियन उसको स्टडी कराई जाएगी, धर्म के बारे में उसको पढ़ाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसके नैतिक मूल्य अच्छे होंगे, नैतिक मूल्यों को समझने की चीजें बढ़ जाएंगी। तो दूसरा आपका स्ट्रांग है कि धर्म की शिक्षा बच्चों की नैतिक मूल्यों को विकसित करने में मदद करती है, बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा आपका स्ट्रांग है, पहला स्ट्रांग नहीं है। तीसरा क्या कह रहा है कि नो हाउ कैन वन ड्रीम ऑन सच ए स्टेप व्हेन वी वांट द यंग जनरेशन टू फुलफिल इट्स रोल इन द 21st सेंचुरी। नहीं, कोई ऐसे कदम का सपना कैसे देख सकता है जब हम चाहते हैं कि युवा पीढ़ी 21वीं सदी में अपनी भूमिका निभाए। तो भाई यंग जनरेशन 21st सेंचुरी में अपने रोल को निभाए, इसमें धर्म कहीं भी रिलीजन कहीं भी आपका जो है उसके लिए बाधा नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो आपका चौथा भी आपका सही स्ट्रांग आर्गुमेंट नहीं है, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है वो 21वीं सदी में अपनी भूमिका निभाए, लेकिन इसमें कहीं भी धर्म उसके आड़े नहीं आएगा, धर्म कहीं भी इसके लिए बाधा नहीं बनेगा। जबकि अगर धर्म की शिक्षा दी जाएगी स्कूलों में तो उससे जो है नैतिक मूल्यों में विकास होगा। ठीक है ना, नैतिक मूल्यों को समझने में उनको आसानी होगी। ठीक है, कि हमारी संस्कृति कैसी है, हमें कैसे करना चाहिए,
जो धर्म में हम लोग को बताया गया है। इसलिए धार्मिक शिक्षा बहुत जो है जरूरी है स्कूलों में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेकंड, आपका स्ट्रांग आर्गुमेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल सेकंड आपका स्ट्रांग है, ऑल आर स्ट्रांग नहीं, नन इज स्ट्रांग नहीं, ओनली फर्स्ट इज स्ट्रांग नहीं, ओनली सेकंड इज स्ट्रांग, डी आपका सही आंसर होगा, केवल तीसरा, केवल दूसरा मजबूत है। क्लियर? तो आपका जो है सी डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, शुड देयर बी ए कंप्लीट बैन ऑन जेनेटिकली मॉडिफाइड इंपोर्टेड सीड्स। क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड आयातित बीजों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए? तो आर्गुमेंट है पहला कि यस दिस विल बूस्ट द डिमांड ऑफ डोमेस्टिकली डेवलप्ड सीड्स। हाँ, इससे घरेलू स्तर पर विकसित बीजों की मांग को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा कह रहा है कि नो दिस इज द ओनली वे टू इंक्रीज प्रोडक्शन सब्सटेंटली, नहीं, उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने का यही एकमात्र तरीका है। तीसरा कह रहा है कि यस जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स विल एडवर्सली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ दोज हु कंज्यूम दीज प्रोडक्ट्स। हाँ, अनुवांशिक रूप से संशोधित उत्पाद इन उत्पादों का उपभोग करने वालों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। तो देखो, जो आपके मॉडिफाइड सीड्स होते हैं वो साइंटिफिक प्रूफ होते हैं, ठीक है ना, उनको साइंटिस्ट जो है हर तरीके से जो है एक कह सकते हैं कि प्रयोग करके तब उनको तैयार करते हैं। इसलिए उनका तो जो उनका जो साइड इफेक्ट है वो बिल्कुल नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि वो पहले से साइंटिफिक प्रूफ होते हैं कि नहीं भाई इनको हमने मॉडिफाई करके बनाया है लेकिन इनका शरीर पर बिल्कुल भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो तीसरा तो गलत है, तीसरा स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि जो अनुवांशिक रूप से संशोधित उत्पाद हैं वो पहले से साइंटिफिक आपके प्रूफ होते हैं, साइंटिस्ट पहले उनमें पूरा रिसर्च करते हैं तब उनको तैयार करते हैं, इसलिए उनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता किसी भी ह्यूमन बॉडी पर। इसलिए जो है तीसरा आपका सही नहीं है। दूसरे की अगर हम बात करें, पहले और दूसरे की, तो देखिए अगर हम यहां पर बात करते हैं प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर यहां पर आप बात करो कि भाई आपके पास 2 बीघे जमीन है, अब 2 बीघे जमीन में आपने मॉडिफाइड सीड्स डाले तो पैदावार बहुत अच्छी हुई, 10 क्विंटल गेहूं हो गया 2 बीघे में, और जब आपने वहीं पे जो घर का बीज था उसको डाला आपको 2 क्विंटल ही वहां पे गेहूं हुआ। तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मायने रखता है, प्रोडक्शन हमें ज्यादा चाहिए होता है, इसलिए मॉडिफाइड सीड्स का प्रयोग हमें करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि प्रोडक्शन हमें ज्यादा चाहिए तो जो है, और उससे हमें प्रोडक्शन अच्छा खासा मिलता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका सेकेंड स्ट्रांग होगा लेकिन फर्स्ट स्ट्रांग नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने का एक तरीका है ये, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, केवल दूसरा आपका आर्गुमेंट स्ट्रांग है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा, ओनली सेकंड इज स्ट्रांग, केवल दूसरा मजबूत है। क्लियर? तो समझ में आ रहा है किस प्रकार से आप बहुत आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, बस आपको ये देखना है कि जो उस चीज को एक स्ट्रांग वे में ले जाए वो स्ट्रांग आर्गुमेंट, जो उसको स्ट्रांग वे में नहीं लेके जाएगा वो आपका वीक आर्गुमेंट, ठीक है, और आपको यहां पर स्ट्रांग आर्गुमेंट ही लेना है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या होगा, शुड वुमेन बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एवरी फील्ड। क्या महिलाओं को हर क्षेत्र में रोजगार के मामले में समान अवसर दिया जाना चाहिए? पहला तो कह रहा है कि यस दे आर इक्वली कैपेबल, हाँ वे समान रूप से सक्षम हैं। दूसरा कह रहा है कि नो दे हैव टू शोल्डर हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नहीं, उन्हें घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। तीसरा है कि यस दे शुड आल्सो गो इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड, हाँ उन्हें भी बाहर की दुनिया में जाना चाहिए। अब बताइए ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा।
तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि शुड वुमेन बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एवरी फील्ड, बिल्कुल दिया जाना चाहिए। जब आज के समय पर आप जो है महिलाएं हैं उनको पुरुषों के समान शिक्षा दी जा रही है, तो उनको जो है समान अवसर भी दिए जाने चाहिए। उनका भी हक है कि वो बाहर की दुनिया को देखें, वो भी जो है अपनी स्थिति को मजबूत करें, अपने आप को मजबूत करें, ठीक है ना। केवल घर की चीज़ों तक जो है वह सीमित ना रहें, वो अपने आप को मजबूत करें अपने। और वो कैसे हो सकता है जब उनको वो भाई बाहर जाएंगी, उनके पास एम्प्लॉयमेंट होगा, तब वो अपने आप को बहुत अच्छे से मजबूत रख सकती हैं, ठीक है ना। सेल्फ मतलब अपने आप से वो आगे बढ़ सकती हैं खुद के उसमें कि नहीं भाई मेरे पास एम्प्लॉयमेंट भी है और मैं अब जॉब भी कर रही हूँ। तो ये जो है पहला तो आपका बिल्कुल आपका स्ट्रांग है कि बिल्कुल वे समान रूप से सक्षम है। बिल्कुल जब भाई इक्वल एजुकेशन है तो इक्वल एम्प्लॉयमेंट में भी समानता होनी चाहिए। दूसरा जो है कि नहीं उन्हें घर तक सीमित नहीं रखना चाहिए कि नहीं भाई उनके पास घर की जिम्मेदारी है। घर की जिम्मेदारी है तो क्या हुआ, उनको बाहर भी जिम्मेदारी दीजिए, ठीक है ना, उसको भी वो बहुत अच्छे से जो है हैंडल कर सकती हैं। तो इस आधार पे जो है ये आपका आर्गुमेंट स्ट्रांग नहीं है। तीसरे की बात करें तो बिल्कुल सही बात है, उनको बाहर निकलने की, उनको जो है बाहर की दुनिया में जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब उनको चीजें जब भाई इक्वल एजुकेशन है, सब चीज इक्वल है, तो यहाँ पर उनको जो है समान अधिकार मिलने चाहिए एम्प्लॉयमेंट में भी, और उनको बाहर जो है उस घर की चार दीवारियों से भी बाहर उनको निकलना चाहिए। इसलिए जो है पहला और तीसरा बिल्कुल आपका स्ट्रांग है, ठीक है ना, पहला और तीसरा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ओनली फर्स्ट स्ट्रांग नहीं, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड आर स्ट्रांग नहीं, ओनली सेकेंड एंड थर्ड आर स्ट्रांग नहीं, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आर स्ट्रांग, डी आंसर सही होगा, केवल पहला और तीसरा मजबूत है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या होगा। क्वेश्चन है आपका, अच्छा अभी आगे नहीं बढ़ा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए भाई क्या होगा। क्वेश्चन है आपका कि शुड द सिस्टम ऑफ लोक अदालत एंड मोबाइल कोर्ट्स बी इनकरेज्ड इन इंडिया, क्या भारत में लोक अदालतों और मोबाइल अदालतों की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो पहला आर्गुमेंट है कि यस इट हेल्प्स टू ग्रांट स्पीडी जस्टिस टू द मासेस, हाँ ये जनता को त्वरित न्याय प्रदान करने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है भाई, तुरंत जस्टिस मिलता है लोक अदालतों और जो है जो आपके मोबाइल जो कोर्ट्स होते हैं उनसे आपको जल्दी से जल्दी न्याय मिल जाता है। इसलिए पहला तो आपका बिल्कुल स्ट्रांग है। दूसरा करके यस द डिस्पेंसिंग ऑफ माइनर केसेस एट दिस लेवल वुड रिड्यूस द बर्डन ऑन द हायर कोर्ट्स, हाँ इस स्तर पर छोटे मामलों के निपटारे से उन उच्च न्यायालयों पर भार कम होगा। बिल्कुल सही बात है भाई, जो छोटे छोटे मामले हैं वो इन अदालतों में सॉल्व हो जाएंगे, तो जो आपकी हायर कोर्ट्स हैं वहाँ पर उनको जो है टाइम मिल जाएगा जो बड़े बड़े आपके मामले उनको सुनने के लिए। अगर छोटे छोटे मामलों में फंसे रह जाएंगे तो बड़े मामलों कब सुनेंगे, तो छोटे छोटे मामले जब इन अदालतों में सॉल्व हो जाएंगे तो फिर जो है कहीं ना कहीं बर्डन बिल्कुल कम हो जाएगा आपके हायर कोर्ट्स में। तीसरा क्या कह रहा है कि नो दिस दीज कोर्ट्स आर यूजुअली पार्शियल इन जस्टिस, नहीं ये अदालतें आमतौर पर न्याय में पक्षपात करती हैं। देखिए जैसे ही बात आती है न्यायालय की कोर्ट की, हमारे दिमाग में बात आती है जो जस्टिस होगा उसमें कोई भी पक्षपात नहीं होगा, वो पक्षपात रहित जस्टिस होगा। इसलिए जो है तीसरा आर्गुमेंट सही नहीं है, क्योंकि जब भी बात अदालत की आती है तो हम यही कहते हैं कि नहीं वहां जस्टिस जो होगा वो आपका जो है पक्षपात रहित होगा। क्लियर, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, केवल पहला और दूसरा स्ट्रांग है, तो आंसर पहला ही सही होगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड आर स्ट्रांग, केवल पहला और दूसरा मजबूत आर्गुमेंट है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। स्टेटमेंट है कि शुड कोल इंजन्स बी रिप्लेस्ड बाई इलेक्ट्रिक इंजन्स इन ट्रेन्स, क्या रेलगाड़ियों में कोयले के इंजनों की जगह
विद्युत इंजनों का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो आर्गुमेंट है पहला कि यस, कोल इंजन्स कॉज ए लॉट ऑफ पोल्यूशन। हाँ, कोयला इंजन बहुत अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। तो बात बिल्कुल सही है भाई, कोयले के जो इंजन होते हैं उनसे पोल्यूशन अधिक होता है, जो इलेक्ट्रिक इंजन है उनसे पोल्यूशन कम होता है। तो पहली बात तो बिल्कुल सही है, ये स्ट्रांग आर्गुमेंट है। दूसरा क्या है कि यस, इलेक्ट्रिक इंजन्स आर गुड ऑन परफॉर्मेंस, इजी टू ऑपरेट एंड लो ऑन मेंटेनेंस। हाँ, इलेक्ट्रिक इंजन प्रदर्शन में अच्छे, संचालित करने में आसान और रखरखाव में कम होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये भी बात सही बात है, उनके मेंटेनेंस में कम खर्च होता है, लो मेंटेनेंस में जो है लो ऑन मेंटेनेंस होते हैं, रखरखाव में कम होते हैं और बहुत आसानी से ऑपरेट हो जाते हैं। उनका परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है डीजल जो है आपके जो है कोल इंजन के अपेक्षा, इसलिए जो है दूसरा बिल्कुल स्ट्रांग है, दूसरा आपका आर्गुमेंट स्ट्रांग है। तीसरे जरा बात करें, नो, इंडिया डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इलेक्ट्रिसिटी टू फुलफिल इट्स डोमेस्टिक नीड्स आल्सो। नहीं, भारत अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त बिजली का उत्पादन नहीं करता है। ये आपका स्ट्रांग आर्गुमेंट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है इससे रिलेट नहीं हो पा रहा, इसलिए जो है तीसरा जो आर्गुमेंट है वो स्ट्रांग आर्गुमेंट नहीं है। तो पहला और दूसरा स्ट्रांग आर्गुमेंट है, क्योंकि रख रखाव में कम होते हैं, ठीक है, और इजी ऑपरेट हो जाते हैं, इनकी स्पीड अच्छी होती है तो वो बेहतर आपको सुविधाएं देते हैं, ठीक है, जबकि कोल इंजन से आपका पोल्यूशन ज़्यादा होता है, जबकि इलेक्ट्रिक इंजन तो लाइट से चलते हैं, वहाँ पे पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होता, ठीक है ना। तो पहला और दूसरा आपके दोनों स्ट्रांग हैं, तो देखिए कौन सा आंसर सही होगा, ऑल आर स्ट्रांग, नहीं, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड आर स्ट्रांग, बिल्कुल बी आपका सही आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा मजबूत तर्क है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है किस प्रकार से आप आसानी से स्टेटमेंट और आर्गुमेंट के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।